हेलो गाइस, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस व्लॉग में, अपने इस पार्ट टू में, बिकॉज अभी हम पहुँच चुके हैं शिमला। और शिमला में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पार्किंग में मैंने अपनी कार पार्क कर दी है और सामने लिफ्ट आ रही है। लिफ्ट वाला प्लेस है, यहाँ से लिफ्ट लेकर ऊपर जाके हम मॉल रोड पे, सीधा हम मॉल रोड पे चढ़ जाएंगे। तो मॉल रोड पे ही थोड़ा कुछ खाएंगे, पियेंगे, घूमेंगे और एक जो भी फन एक्टिविटी करेंगे वो मैं आपको अपने व्लॉग में दिखा दूँगा। तो देखते हैं कि क्या करेंगे आगे फर्दर, आप बने रहिए और देखते रहिए देसी ज़ोरबा। हाँ यार, चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छा लगे तो यार शेयर भी कर दिया करो। और दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं शिमला के मॉल रोड पे। हमेशा की तरह ये रोड बहुत ही शानदार रहता है, हमेशा चहल पहल, रश, भीड़ भड़ाका हमेशा इस रोड पे रहता है। देखो, शॉपिंग अच्छी कर सकते हैं यार इस मॉल रोड पे ना, शॉपिंग के बहुत ऑप्शन है। खासतौर पर दिखाता हूँ मैं आपको मॉल रोड के नज़ारे, मॉल रोड के नज़ारे शानदार वाले। थैंक यू। शिमला पर्यटकों में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ की वाइब्स, यहाँ का कल्चर बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शानदार। शिमला चंडीगढ़ से लगभग 110 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आप बस से, ट्रेन से और बाय एयर भी आ सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। शिमला की माल रोड का नज़ारा देखते ही बनता है। यह हमेशा की तरह एक बिजी और एक आरामदायक ये रोड रहती है। यहाँ पर आप शॉपिंग का और साथ के साथ खाने पीने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। शिमला में हनुमान जी का एक जाखू मंदिर भी है जो आप लेफ्ट साइड पे ऊपर देख रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति, एक स्टैचू, बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है और आप वहाँ पर बाई कार भी जा सकते हैं और अब तो वहाँ पर केबल कार भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हैं हम मॉल रोड पे, रिज पे, और रिज पे देखो ये तिरंगा झंडा लगा हुआ है, शानदार, जबरदस्त वाला। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि ये जो रिज है ना, रिज ये मतलब इतना बड़ा जो ग्राउंड है, इसके नीचे ना पानी का होज है, बहुत बड़ा पानी का होज है एकदम। तो यहाँ पे फोटोग्राफर लोग ऐसे घूमते रहते हैं कि किसी को अगर अपनी हाई डेफिनेशन पिक क्लिक करवानी है तो करवा सकते हैं। मैंने लाइफ में कहीं और नहीं करवाई आज तक, कहीं पे भी नहीं करवाई। एक और मैं आपको बात बताऊंगा कि इस पे मॉल रोड पे या फिर इस पे रिज पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आने जाने की इजाज़त है, अदरवाइज़ कोई प्राइवेट व्हीकल को इसके ऊपर आने जाने की इजाज़त नहीं है। रानी मैं यही हूँ, नहीं आगे नहीं, तेजस आगे नहीं। यहाँ पे महात्मा गांधी जी का स्टैचू है और ये है हिमाचल का
सेकंड ओल्डेस्ट चर्च जो शिमला में रिज पर बना हुआ है। आप यहां रिज पर घुड़सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। ये रानी और तेजस आ रहे हैं। यार हम मॉल रोड पे तो आते हैं, मॉल रोड की सुंदरता भी देखते हैं, मगर एक और चीज दिखानी है आपको मॉल रोड में। ये क्या हो रहा है यहाँ पे रिज पे, ये देख रहे हो गंद, ये क्या गंद डाला हुआ है, क्या डंप हो रखा है गंद पूरा। और ये हो रही है कलाकारी लक्कड़ बाजार में। ये स्टार्ट हो चुका है लक्कड़ बाजार। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम आए हैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। देखते हैं कहाँ मिलेंगे गोलगप्पे हमें यहाँ पे। ये है शिमला की ब्यूटी, आप कहीं पे भी चले जाइए बढ़िया ही आपको व्यूज देखने को मिलेंगे। ये जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ ये है लक्कड़ बाजार से। कितना फैला हुआ है यार शिमला ना। यहाँ पे की है तेजस ने शॉपिंग। ये बबल खुलाने वाली तो ये है मॉल रोड शिमला, शानदार हमेशा की तरह ये ऐसे ही क्राउडेड रहता है, हरा भरा रहता है एकदम जबरदस्त। यहाँ की खूबसूरती ना देखते ही बनती है अल्टीमेट। ये सीधा जो रिज से मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं ये जाके मिलेगा ये वाला रोड स्कैंडल पॉइंट पे। देखो तेजस अपनी मम्मी की गोदी चढ़ा हुआ है। और ये है शिमला का स्कैंडल पॉइंट, ये मॉल रोड आगे जा रहा है सीधा, और ये जो राइट से रोड आ रहा है ये ऊपर रिज से आ रहा है, ये मिलता है स्कैंडल पॉइंट पे। स्कैंडल पॉइंट से अब हम घूम रहे हैं और अब हम जा रहे हैं आगे मॉल रोड पे। चलो 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 तेजस 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 से हाय तेजस ने ना फुल टू एंजॉय किया यार इस टूर पे, पूरी जिद पूरी की है, हर चीज की है, एंजॉय किया है फुल टू मजे में। अभी हम यहाँ से किसी चीज के आगे से निकल रहे हैं, अब हम मैं और रानी दोनों देख रहे हैं कि तेजस उस चीज की डिमांड करेगा नहीं करेगा। दिस टोटली अप टू तेजस, नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड, नहीं
नहीं की, शायद मिस हो गया तेजस से। ये है शिमला का फेमस फायर ब्रिगेड स्टेशन। और अभी हैं हम मॉल रोड में, यहाँ से डाकू बंदे स्टैचू हनुमान जी का कितना क्लियर नजर आता है। ये रानी क्या तुम त्रिशूल बेकरी पे ट्राई करना चाहते हो? वो जो प्रीटी जिंटा वाली थी जो रील आई हुई थी, यार ऐसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। अगर तुम सोचो कि बहुत ज़्यादा कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, हाँ ये है कि शिमला में हो तो त्रिशूल बेकरी बस नथिंग एल्स, बहुत ज़्यादा नहीं है कि जाने जाना है, इतना भी कुछ वो नहीं है। हाँ ये है कि ठीक है यार, बेकरी है बढ़िया है। और फाइनली त्रिशूल बेकर से पेस्ट्रीज खा के और तेजस को सॉफ्टी दिलवा के अब हम चलने लग रहे हैं वापस मॉल रोड पे। मॉल रोड से जाएंगे अभी लिफ्ट की तरफ, लिफ्ट से जाएंगे नीचे और वापस अंबाला। तेजस, तेजस से हाय। मॉल रोड तेजस पीछे रह गया मम्मा के साथ सॉफ्टी खाते हुए। खादी आश्रम के बराबर में ये शॉप है, शॉप का नाम भी खादी आश्रम है यार। इससे ले रहे हैं हम मोमोज और रानी ने लिया है हॉट कॉर्न्स और मैं ले रहा हूँ मोमोज। देखते हैं क्या शानदार मोमोज देते हैं हमें। पॉपकॉर्न भी बन रहे हैं वहाँ पर। और आगे आ रहा है न्यारकस का शोरूम, देखते हैं रानी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, अंदर झांकेगी या नहीं झांकेगी या सीधा जाएगी। पूरा फोकस रानी के ऊपर रहेगा, मुझे पता था ये झांकेगी और पूरा एक बार तो अंदर देख कर भी आएगी, देख कर नहीं आएगी शायद। ए ए ए ए चलेगी 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 चलेगी, मुझे पता तो था कि अंदर जाएगी जाएगी, देखा और मेरा कहना सच हो भी गया। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 9 और अभी हम जस्ट शिमला में पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाई है और वापस जा रहे हैं अम्बाला सिटी के लिए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, स्पीड इतनी भी स्लो है मतलब कि 5 की स्पीड पर भी रन नहीं हो रही, गाड़ी से रेड रही है। देखते हैं आगे यार कितना ट्रैफिक रहेगा यहाँ पे। तो उम्मीद है कि 12:30 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे, देखते हैं ट्राई करते हैं। 3.5 घंटे में? हाँ 3.5 घंटे लगेंगे, रात में तो कम से कम ट्रैफिक होगा। आते ही तो अरे तो हम रुकना नहीं ना, हमने आते हुए ज़्यादा लगता है, रुकते हुए आते हैं, हमने रुकना है नहीं तो सीधा वो माले के लिए निकलेंगे। यार वहाँ रुके तो थे सोलन में डोमिनोज के लिए, अब थोड़ा रुकेंगे तो सीधा ही निकलेंगे ना, ठीक है ना। चलो मैं बताऊँगा आपको कितने बजे। रात के बज रहे हैं अभी 11 और अभी हम पहुँच गए हैं धर्मपुर। ये मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं सीधा जा रही है कसौली की तरफ, और जो इधर देख रहे हैं ये जा रही है अपना चंडीगढ़ अम्बाला की तरफ। तो हम इधर निकलेंगे और रानी ने मांगी थी कोल्ड ड्रिंक, मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, घबराहट हो रही है तो मैंने चलो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। अभी हमें लगेगा कम से कम 1.5 घंटा लगेगा अम्बाला पहुँचने में, तो अराउंड 12:30 बजे तक हम अम्बाला पहुँच जाएँगे। तो दोस्तों मैं ना अपना ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ।